नमस्कार बच्चों, अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पाठ 7 समय नहीं मिला, जिसके लेखक थे मन्नारायण जी। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, मन्नारायण अग्रवाल जी द्वारा लिखित इस पाठ में हमने पढ़ा समय का महत्व, कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। हम थोड़ा थोड़ा समय अगर बचाएं तो ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, और अगर समय न मिलने का बहाना करते हैं तो वो कार्य हमेशा के लिए हमसे छूट जाता है और रह जाता है। जैसा कि साहित्यकार जॉनसन के मित्र ने हर बार बहाना बताया कि मेरे पास समय नहीं होता। उनके पास एक मित्र मिलने आया कि मैं किताब नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। तो इसी पाठ को अब हम आगे बढ़ाते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई। जब जॉनसन ने कहा कि अगर समय नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी खाने वाला व्यक्ति हूँ और अन्न उपजने के लिए तो दुनिया में 1/4 ही तो ज़मीन है और 3/4 तो पानी है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो अपना पेट भरते हैं, पर इतने लोगों के लिए ज़मीन तो काफ़ी है। उनके दोस्त ने कहा, काफ़ी कहाँ है, इस चौथाई ज़मीन में कितने पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ स्थल हैं, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है। अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान। मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ में डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे और उन्होंने परेशान न होने की बात कहा। बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोग रहते आए हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता आया है। ठीक है, तो आप ठीक कहते हैं भाई, पर अगर मेरे भोजन का इंतज़ाम हो जाए तो आपको पढ़ने का भी इंतज़ाम हो सकता है और समय भी अवश्य मिलेगा। डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है कि समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन से भी कहीं अहम है, महत्वपूर्ण है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अगर किस्मत ख़राब ना हो तो धन ज़्यादा कमा सकेंगे, लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी 24 घंटों को 1 मिनट से बढ़ा सकते हैं। इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला हो सकता है। पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ लाख कोशिश करने पर भी घटाया नहीं जा सकता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, अर्थात समय छोटे बड़े सबके लिए समान होता है। वक्त के निज़ाम में सब बराबर है। निज़ाम किसको कहते हैं, व्यवस्था प्रबंधन को कहते हैं निज़ाम। तो उसमें आदर्श और लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते, अर्थात हमें समय का महत्व समझना चाहिए। मुझे राष्ट्रभाषा प्रसार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला। ये कह रहे हैं लेखक मन्नारायण अग्रवाल। तो वो कहते हैं कि समय तत्परता से संबंध में सभी ऊबों की कहानी करीब सभी सूबों की कहानी करीब एक जैसी है। सूबे होते हैं, राज्य होते हैं, अलग अलग जगह होती है। सभाओं का समय शुरू होना हमेशा अपवाद रहा है। अपवाद किसको कहते हैं, जो नियम के विरुद्ध होता है उसे हम कहते हैं अपवाद। उड़ीसा या जिसको हम कहते हैं ओडिशा, उसमें कई जगह तय किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद समय शुरू होता है, अर्थात सभा उसके बाद में शुरू होती है। वो समय का महत्व ढंग से नहीं जानते, तो सभा को आयोजित करने वाले व सभा में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया गया है तो सभा 6 बजे ही शुरू होगी, उसके बाद भले ही हो पर 6 बजे से पहले नहीं हो सकती है। इस तरह गैर पाबंदी की मुख्य जिम्मेदारी मैं संयोजकों की मानता हूँ। वे जब कई बार सभा के निश्चित समय के 2 घंटे बाद ही सभा शुरू करते हैं तो बेचारी जनता वहाँ ठीक समय पर आकर बैठी बैठी क्या करे। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अमुक सभाएं ठीक समय शुरू हो जाया करेंगी तो जिन्हें शामिल होना होगा वे वक्त पर जरूर आएंगे। हाँ, कुछ लोग तो देरी करेंगे ही, पर उनके लिए दूसरे सभी को दंड देने की कोई वजह नहीं है। और संयोजकों को समय से ही निश्चित करना चाहिए जो भी सुविधाजनक हो, पर आप वहाँ ना बैठें। यह हाल हमारे देश का ही है,
ये समझनी भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इंग्लैंड, यूरोप तथा अन्य दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोल कर की जाती है। वहाँ की सभाएँ वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद होते हैं। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के निकट लेने के लिए लंबी लंबी, हम जब सिनेमा की टिकट में लेने चले जाते हैं या कोई भी अपना कार्य करते हैं खुद के लिए, तो वो क्या कहते हैं, समय व्यर्थ होता है। फिर हमें चिंता नहीं रहती समय की, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने व्यस्त दिखाई देते हैं कि सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं। इन कतारों में 2-3 घंटे लगातार कई बार खड़ा रहना पड़ सकता है। टेनिस या फुटबॉल मैच देखने के लिए टिकट घरों के सामने इसी तरह लंबी लंबी कतारें लगती है। फिर ये लोग बड़ी शान से लिखते हैं, मुझे अफसोस है कि समय न मिलने के कारण मैं ये काम नहीं कर पाया। आप नाराज़ न हो, मुमकिन है आप अपने समय का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं और किसी विशेष शास्त्र का अध्ययन करते हों, लेकिन मैं आप आम लोगों का एक प्रतिनिधि ही मानकर यह बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने समय का पूरा लाभ उठाते हैं और एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं हो तो क्या जीवन पर एक गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना समय नष्ट करते हैं और उसका सदुपयोग किया जा सकता है। अगर केवल सुबह जल्दी उठना ही शुरू कर दें तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप स्वयं को मशीन की तरह बना लें या घड़ी की सुई के अनुसार अपने ताल बिठा लें। यदि अपनी दिनचर्या में आपने ज़रा भी लचक न रखी और उसमें बदलाव की गुंजाइश न रही, तो आपका और आपके परिवार का जीवन सुखी न बन सकेगा। आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप उन लोगों पर जो थोड़ा सा समय बर्बाद करते हैं नाराज होना शुरू कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों के साथ निभाकर अपना जितना समय अच्छा उपयोग कर सकें उतनी ही आपकी तारीफ है। और कृपया आज से किसी से यह ना कहें कि मुझे समय नहीं मिला है। तो बच्चों, ये अभी लेखक ने कहा कि अब ऐसी लचक रहे, ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमें समय का पाबंद तो रहना चाहिए, लेकिन समय को एक एक क्षण को बांध कर नहीं चलना चाहिए कि 5:10 पर काम शुरू हुआ है तो 5:11 पे मैं नया काम शुरू कर दूंगा। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, दोनों के मध्य अंतर होगा तभी हम कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। क्योंकि आपको जब हम पढ़ाते हैं तो एक पीरियड से दूसरा पीरियड चेंज होता है, तब टीचर भी 5 मिनट लेती हैं क्लास में आने का, और आपको बीच में एक बार हम ब्रेक भी देते हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य करते हैं उसमें लचक होनी आवश्यक है किसी भी कार्य के बीच में। तो समय का महत्व, जैसे मैंने पहले कहा था, मैंने कबीर का एक दोहा बताया था आपको कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करे को कब, अर्थात कले गते कैसे तू बंधु। अर्थात जब हम समय चला गया तो कहते हैं हमें सेतु अर्थात पुल बांधने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और कहते हैं कि आग लगने के पश्चात कुआं नहीं खोद सकते, अर्थात समय रहते ही हमें हर कार्य करने पड़ते हैं। तो इस पाठ में आपको समय का महत्व बताया गया है, समय को नष्ट ना करने और समय ना मिलने का बहाना तो कभी नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों, अगली बार मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको बताऊँगी।